हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत मज़े में होंगे। मैं भी बहुत मज़े में हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी नाइका हॉल। मैंने कुछ स्किन केयर, हेयर और कुछ लिपस्टिक्स मंगाई हैं नाइका से, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बट उससे पहले मैं शेयर करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूँ सदफ और इस चैनल पर मैं बनाती हूँ ब्यूटी एंड मेकअप वीडियोज़ और करती हूँ प्रोडक्ट के रिव्यूज़। तो अगर आपको इस टाइप के कंटेंट में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे बेल नोटिफिकेशन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा। तो जी, मैंने मंगाया है कुछ नाइका से सामान, बहुत थोड़ा सा सामान है तो मैंने सोचा, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा है तो क्या हुआ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि मैंने क्या क्या सामान मंगाया है। तो सबसे पहले मैंने मंगाया है ये हिमालया का प्यूरिफाइड नीम पील ऑफ मास्क। ये एक पील ऑफ मास्क है। इससे पहले आज तक मैंने एक ही पील ऑफ मास्क ट्राई किया है और वो था एवरयूथ का पील ऑफ मास्क, जो गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क आता है। हिमालय नीम का फॉर पिंपल्स है, तो इसलिए मैंने ये ट्राई करने के लिए मंगाया है। और इसमें ऐसा मेंशन है कि ये लाइटन कर देता है पिंपल मार्क्स को, और मेरे फेस पे ना बहुत सारे एक्ने जो हो रहे थे वो सब ठीक हो गए हैं, बट सिर्फ मार्क्स रह गए हैं मेरे फेस पे। तो अब मुझे अपना मार्क्स को कम करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने सोचा इसे ट्राई करते हैं। इसकी MRP है 75 रुपीज और ये आपको मिल जाता है 50 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट इन 75 रुपीज। तो ये है पहला प्रोडक्ट जो मैंने मंगाया है। सेकेंड प्रोडक्ट मैंने मंगाया है बायोटिक का बायो नेक्टर, ये फेस स्क्रब है। हाँ, बायो मॉर्निंग नेक्टर फेस स्क्रब। इसमें है कि ये ऑल स्किन टाइप्स है एंड इट गिव्स यू अ फेयर स्किन। वो तो मुझे पता नहीं कि ये फेयर स्किन देगा या वो, मेरा वो मोटिव ही नहीं था। मेरा बस एक मुझे स्क्रब चाहिए था अच्छा, और ये मुझे काफ़ी अफोर्डेबल लगा। ये पड़ा है मुझे 75 रुपीज़ में ये भी। तो ये भी 75 रुपीज़ में आपको मिल जाता है 50 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। तो ये तो है एक फेस स्क्रब। अच्छा, ये मैंने जो भी प्रोडक्ट मंगाए हैं इसमें मुझे नाइका पे हमेशा आप देखिएगा कभी ना कभी डिस्काउंट चलता रहता है कोई ना कोई, तो ये सब मुझे ऑफर में मिले हैं। तो ये 75 रुपीज़ का था, बट मुझे 75 का नहीं पड़ा है, कुछ कम का ही पड़ा है। ऐसे ही दूसरा प्रोडक्ट भी मुझे, सारे प्रोडक्ट जो है ऑलमोस्ट कुछ कुछ कम के पड़े हैं, बट ज़्यादा नहीं, 75 है तो अराउंड जैसे 70 या 65 इतने कम का पड़ा है। नेक्स्ट मैंने मंगाया है ये लॉरियल पैरिस का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल, और ये ऑयल कम सीरम है और मुझे इससे प्यार हो गया है। ये मैं पहले जब से हेयर स्मूथनिंग कराई थी तो मैं मैट्रिक्स का हेयर सीरम यूज कर रही थी, उसके बाद ये मेरा फर्स्ट सीरम है जो मैं ट्राई कर रही हूँ मैट्रिक्स के बाद। मुझे मैट्रिक्स के सीरम अच्छे लगते थे क्योंकि स्मूथनिंग के बाद बाल अच्छे हो जाते हैं सीरम लगाने के बाद, मतलब सीरम लगा लो अगर आप बालों पे तो बाल आपके काफी स्मूथ हो जाते हैं। तो जब मैंने ये सीरम मंगाया तो मुझे नहीं पता था ये कैसा होगा, बट मैंने सोचा ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है अच्छा हो, और मुझे इससे प्यार हो गया है। मेरे बहुत ड्राई डैमेज और फ्रिजी हेयर है, बट मैंने अपने बाल जब मेरे ऐसे अजीब से गंदे से झाड़ जैसे हो रहे थे तो मैंने थोड़ा सा डैम करके इसकी 2 ड्रॉप्स अप्लाई किए अपने बालों पे, और मेरे बाल एकदम सीधे तो नहीं कहूँगी लेकिन एकदम शाइनी स्मूथ, और मतलब लग नहीं रहा था कि मेरे बाल है, काफ़ी मैनेजेबल हो गए थे, काफ़ी सिल्की लग रहे थे। तो मुझे ये तो बहुत अच्छा लगा है। और ये मुझे पड़ा है, ये है 299 रुपीज़ का है ये, और ये मिल जाता है आपको 30 ml ऑफ प्रोडक्ट। तो ये भी मैंने मंगाया है अपने बालों के लिए, अपने ख़राब हुए हुए बालों के लिए, ताकि थोड़े से मैनेजेबल हो जाए। तो ये था मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद मैंने मंगाई है लिपस्टिक्स। ये सारी लिपस्टिक्स मैंने मंगाई हैं अलग अलग, आई थिंक इतनी हैं 3 to 5 लिपस्टिक्स ये मैंने मंगाई हैं, और ये सारी लिपस्टिक्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। तो मैं दिखाती हूँ, सबसे पहले ये है स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक। ये बड़ी क्यूट सी लिपस्टिक है, इसकी MRP है 149 रुपीज़ और इसका शेड नंबर है 02 कलर चेंज जेल लिपस्टिक्स। तो ये कलर चेंज जेल लिपस्टिक्स हैं जो कि आप लिप्स पे अप्लाई करेंगे तो इनका कलर चेंज हो जाएगा, और ये इतनी प्यारी सी है ना कि मतलब देख के ना इंसान, ये देखिए एकदम ब्यूटिफुल ट्रांसपेरेंट टाइप जेल लाइक लिपस्टिक है, ट्रांसपेरेंट तो नहीं है बट ब्यूटीफुल जेल लाइक है और बहुत ही प्यारी है। अब मैं इसका स्वैच आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे सी ये एकदम पिंक कलर दे देती है आपके लिप्स पे, एकदम बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी है, मतलब बहुत ही पसंद आई मुझे ये, और इतनी स्मूथ है, एकदम बटरी सॉफ्ट और बहुत ही क्रीमी है। ये बिल्कुल मैट नई लुक देगी आपको, थोड़ा क्रीमी टेक्स्चर है इसका, बट ये बहुत ही प्यारी है,
तो पहली लिपस्टिक थी मेरी ये। नेक्स्ट मैंने मंगाई है बायोटिक नेचुरल्स मेकअप की ये लिपस्टिक। ये बायोटिक की लिपस्टिक है जो इस तरह कार्डबोर्ड के पैकेजिंग में आती है, तो इसकी पैकेजिंग मुझे अच्छी लगी। और इसका शेड है बेरली देयर N605। ये है इसका शेड नंबर बेरली देयर N605। और अब इसे निकाल के देखते हैं, तो ये बड़ी क्यूट से कलर है इसका, पिंकी सा कलर है। और इस तरह की लिपस्टिक ये आती है, और ये शेड है, ये देखिए बहुत प्यारा सा ऑरेंजी शेड है। अब मैं इसका स्वाच आपको दिखाती हूँ। ये भी बहुत ही क्रीमी बटरी सॉफ्ट लिपस्टिक है, और देखिए कितना प्यारा शेड है इसका, ये एकदम कुछ ऑरेंज शेड है, रेड ऑरेंज शेड, बहुत ही प्यारा सा। तो ये भी मुझे पड़ी है अराउंड कितने में पड़ी है मुझे, ये लेट मी जस्ट चेक, 125 रुपीज़। बट ये मुझे ऑफर में मतलब कम में ही पड़ी है, 125 की नहीं पड़ी है मुझे। तो ये थी जी मेरी सेकेंड लिपस्टिक। नेक्स्ट मैंने मंगाई है ये इनसाइड की मैट लिपस्टिक। ये इनसाइड की मैट लिपस्टिक है जो लॉन्ग वेयर है, ट्रू कलर है, और ये मुझे सिर्फ पड़ी है 80 रुपीज़ में। और इसका शेड है A5 सेल्फी रेड। तो ये है A5 सेल्फी रेड, और ये भी इस तरह कार्डबोर्ड के पैकेजिंग में आती है, और ये 80 रुपीज़ में थी, तो मैंने सोचा ट्राई करके देखेंगे कि कैसी है भाई। तो ये इस तरह है इनसाइड मैट लिपस्टिक, और एकदम रेड है, तो इसका जो ऊपर की पैकेजिंग है, ये प्लास्टिक पैकेजिंग, वो भी रेड में ही है। जो इसका शेड है वही शेड इन्होंने ऊपर पैकेजिंग में रखा है, सेल्फी रेड, और ये एकदम रेड कलर है। ठीक है, अब मैं आपको इसका स्वैच दिखाती हूँ, यहाँ दिखाती हूँ, एकदम रेड कलर है, बहुत ही प्यारा सा, देखिए एकदम क्रीमी है, बहुत प्यारी है, बहुत ही प्यारी क्रीमी रेड कलर की लिपस्टिक है। प्लीज थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइसेस को अवॉइड कीजिएगा, आज मैं मॉर्निंग में शूट कर रही हूँ, मुझे 2 दिन से फीवर चढ़ा हुआ है, तो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, और अभी भी 11 बज रहे हैं अराउंड, तो बाहर बहुत शोर है, बट मुझे अभी शूट करना ही है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था मैं आगे हिम्मत हो पाएगी मेरी शूट करने की, और फिर वीडियो एडिट वगैरह करने में भी टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं इस टाइम शूट कर रही हूँ, और पीछे से थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, तो प्लीज़ उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो ये थी मेरी थर्ड लिपस्टिक 80 रुपीज़ की। नेक्स्ट लिपस्टिक्स जो मैंने मंगाई हैं वो हैंगे L18 की लिपस्टिक्स, और ये है सिर्फ 75 रुपीज़ में, L18 की कलर पॉप लिपस्टिक्स। L18 तो जैसे मुझे लगता है अफोर्डेबल में मेरा फेवरेट ब्रांड बन गया है, क्योंकि ये बहुत ही एकदम सुपर क्रीमी लिपस्टिक होती है, वन स्ट्रोक एप्लीकेशन है, और इनमें ना आपको हर टेक्सचर की मिल जाएंगी, हर टाइप की मिल जाएंगी, हर कलर की मिल जाएंगी। तो मुझे तो ये L18 की लिपस्टिक्स बहुत टाइम से पसंद है। तो ये मैंने 2 शेड्स मंगाए हैं, सबसे पहला है Pink Selfie R38। ये है Pink Selfie R38, ये भी बहुत प्यारा सा कलर है, जो कि ख़राब हो गया मुझसे, क्योंकि मुझसे ये गिर गया था, तो ये ऐसा हो गया है गिरने के बाद, बट कोई बात नहीं, हम इसे भी वो कर लेंगे। लेकिन ये देखिए बहुत प्यारा सा ये कलर है इसका, ये रहा ब्राउन सा शेड है कुछ, बहुत प्यारा सा। तो ये मेरे से गिर गई थी एक्चुअली आने के बाद ही, और ये पूरी ना मतलब ऐसे हो गई है, पूरा हिल रही है, मैं इसे पहले ना मैनेज करूँगी अच्छे, इसे मैं पूरी फिक्स करूँगी उसके बाद यूज़ कर पाऊँगी, क्योंकि ये ना मुझसे देखिए यहाँ से टूट गई थी, उसकी वजह से ऊपर से ख़राब हो गई पूरी, पर कोई नहीं, हम इसे फिक्स कर लेंगे। जो नेक्स्ट लिपस्टिक है वो है शेड नंबर N51 न्यूड फिक्स। ये न्यूड लिपस्टिक है, मुझे न्यूड कलर्स बहुत पसंद है, तो ये न्यूड लिपस्टिक है, न्यूड फिक्स, बहुत ही प्यारा सा कलर है, जो मैंने अभी अप्लाई किया, नहीं शायद ये नहीं अप्लाई किया मैंने, नहीं सॉरी, ये मैंने अभी NYB की अप्लाई की है लिपस्टिक। तो ये वाला बड़ा प्यारा सा न्यूड कलर है, मुझे न्यूड शेड ना इतने पसंद है, देखिए ये वाला। तो ये सारी लिपस्टिक्स मैंने मंगवाई हैं, 5 लिपस्टिक्स, जो कि बहुत अफोर्डेबल है, सब 150 के अंडर है, और ये वाली तो 75 रुपीज में है, 75, 80, 100, 10 अराउंड जो लिपस्टिक हैं, और वो मैंने इतने में मंगवाई है। तो ये थी मेरी छोटी सी नायका हॉल, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा,
और मैं इन सब का इंडिविजुअल रिव्यू एंड डेमो डाल दूंगी अपनी आने वाली वीडियोस में। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।